और तो भैया ऑन कर दो। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम D&D में आ रहे हैं। तो गाइस आज लाना वाला गेम लड़ रहा है दिल्ली में पहली बार। तो गाइस 12 टीम लड़ेंगे टोटल, और 6 टीम इधर है 6 टीम उधर है। ये बी ग्रुप है और ए ग्रुप वहाँ पे, वो दिखाओ भैया सामने दिखाने में। ए ग्रुप गाइस वहाँ बैठा हुआ है। तो गाइस ये साकेत काइट क्लब के मेंबर है सारे, दिखा भैया तक दिखाना। साकेत काइट क्लब के मेंबर है, सौरभ भाई है, आपका नाम क्या भैया? सतबीर भाई है, और ये रौनक भाई है। तो गाइस आपने इनको भी वीडियो में देखा होगा। तो गाइस मैं धीरे धीरे सबको दिखाऊंगा कि कौन सा डोर यूज हो रही है और कौन कौन कैसी पतंग लड़ा रहा है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई फ्रेंड्स, अभी मैं अपने RS कैफे के सदर साहब के साथ हूँ, सलीम भाई। अभी मैं इनसे कुछ इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। सलीम भाई, मेरे ख्याल से आप कुछ इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो ये सालाना जो होने जा रहा है, सलीम भाई आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है, इसमें दिल्ली की बहुत अच्छी अच्छी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स में गेम लड़ा रहे हैं। तो फ्रेंड सुना आपने, ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है। एसोसिएशन तो बहुत पहले से है दिल्ली में, न जाने काफी साल से, लेकिन ये पहली बार जो है हम लोगों के अटेम्प्ट से RS कैफे ने कोशिश किया और सालाना मुमकिन हुआ आपके सामने। आगे की बात सलीम भाई कुछ और बोलना चाहेंगे? बस इसमें गोज भाई का बहुत बड़ा योगदान है और शाम तक बहुत अच्छे अच्छे पेच देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स लड़ा रहे हैं इसमें। हमें तो सदर साहब के पेच देखने को हम तरस रहे हैं। मैं भी लड़ाऊंगा। और सलीम भाई को ऐसा वाकया, आप दरअसल मेरे को एक बात बताइए, आप कितने टाइम से काइट फ्लाइंग कर रहे हैं? कम से कम 30 साल हो गया। 30 साल हो गया इनको काइट फ्लाइंग करते हुए। तो सलीम भाई आपने अपने लाइफ टाइम में कुछ अचीवमेंट, वो कुछ बयान करें। अचीवमेंट ये है कि भाई इस सुपर इंडिया काइट क्लब ने जी, हमारी टीम ने जी 17-18 टूर्नामेंट दिल्ली के लोकल उठाए हैं, जिसमें 2 ऑल इंडिया भी हैं। क्या बात है। और ऑल इंडिया कौन कौन से सन की है सलीम भाई? बस ये मेरे इतने जहन में नहीं है, फाइनल 4-5 हम कट भी गए हैं। अच्छा, मतलब ऑल इंडिया के फाइनल तक आप कई बार पहुंचे हैं? हाँ, 5-6 बार पहुंचे हैं। 5-6 बार पहुंचे हैं, लेकिन 2 बार आपने फाइनल उठाया है। ये बहुत अच्छी बात है। आगे और बस टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। नाम से एक हमारे पापू थे जिनकी डेथ हो गई है, और वो हमारी टीम के बेस्ट प्लेयर थे। दूसरे नंबर पे मोहम्मद मंसूर हैं, और बिट्टू भाई हैं, साजिद भाई भी, साजिद भाई हैं, ताहिर हैं, ताहिर भाई भी, और इन सब के साथ मैं भी हूँ। तो हमने बहुत अच्छी काइट फ्लाइंग करी है और बहुत अच्छा इंजॉय करा है, और एक नई दिशा में गोज भाई हमारी ये काइट फ्लाइंग को ले गए हैं, जिससे आज ये नया सालाना लड़ने जा रहा है, इसमें हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। सर एंजॉय तो सारे करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे लोग बहुत ऑन कर दिए। फ्रेंड्स आज हम जो है अपना सालाना की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। टीम्स का फैसला हो चुका है कौन सी टीम कहाँ लड़ाई की, ए और बी ग्रुप बढ़ चुके हैं, अब टॉस किया जा रहा है। आगे की बातें विजेंद्र भाई से। ग्रुप ए के अंदर नवयुग, हलचल, विक्टर, बिग बॉस और साकेत। ग्रुप बी के अंदर सुपर इंडिया, स्काईवे, चौधरी, तिरंगा और न्यू उड़ान, ये डिसाइड हुआ है। फ्रेंड्स ये ए और बी ग्रुप हो गया, अब हम टॉस करने जा रहे हैं। टॉस कौन करेंगे दिखाइए आप? विजेंद्र भाई, ग्रुप ए ग्रुप बी कौन बोलेगा? टॉस जीता है और उन्होंने सीधा हाथ लिया है। ये जो टॉस हारी है उनके हक में पेच रहेगा। ये देखिए साहब, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का सालाना भी आगे जाएगी।
अब मैं आपको लिए चलता हूँ कुछ क्लब फाइटर्स के पास में। कुछ लोगों ने अभी आना बाकी है, लगभग मेंबरों में से 15-16 मेंबर ने और आना बाकी है। ये आते जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सनी भैया पतंग उड़ा रहे हैं और ये लाइन से पतंग उड़ाई गई है। यहाँ पे लंबी पतंग है बिल्कुल, आप देखिए, और आगे पतंग उड़ा रही है भी, हवा बहुत अच्छी चल रही है, शानदार। हमारे वसीन भाई ये लड़ा रहे हैं यहाँ पे। सनी भाई खड़े हुए सामने, सारे दादा यहाँ खड़े हुए हैं। अब भाई इस पतंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है, शानदार डिजाइन से। सालाना का लुफ्त लेते हुए लोग देखिए, पूरे ग्राउंड से काइट फाइटिंग हो रहा है। लोग कितने एक्साइटेड है कि दिल्ली में पहली बार सालाना हो रहा है, वो भी RSKFA एसोसिएशन के थ्रू हो रहा है, जो कि पहली बार पहल रखी गई है सालाना की। ऐसे सालाना अब हर साल होते रहेंगे। देखिए साहब लोग कितने एक्साइटेड हैं। अगले साल से ये और रौनक पकड़ेगी। बहरहाल इस साल ही इसमें उत्साह की कोई कमी दिख नहीं रही है। ये सौरभ भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो भैया कुछ पतंग दिखाएंगे। भैया पतंग दिखाओ अपनी थोड़ी। अरे नहीं, पतंग ला रहे हैं सौरभ भाई आज मुरादाबाद के। शकील भाई की पतंग है मुरादाबाद वाले, शकील भाई। और भैया सारी आज प्लेन पतंग ही लड़ेंगी। ये मुबीन अख्तर है, मुबीन अख्तर की है, लंबा फरमा। ठीक है ठीक है। तो गाइस आपके सामने पेच आ गया है नीचे से। तो गाइस नीचे से मुड्डा भाई ने रखा बहुत ताकत से, थपकी में पतंग काट दिया, बहुत शानदार पतंग काटी उन्होंने यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे पट का इशारा कर दिया टीम दोनों प्लेनों ने, गद्दा मारा गाइस ताकत से पूरी, शानदार गद्दा। और गाइस पतंग बहुत बढ़िया काट दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। भाई भाई ने जिसने पतंग काटा पतंग अपनी खींच रहा है, आप देख सकते हैं सामने। गाइस देख सकते हैं ऊपर से भाई का पेच आ गया है और यहाँ पे मारा ताकत तिरछा था बिल्कुल, आपने देख लिया भाई पूरी ताकत से पतंग तिरछे घुसा दी थी भाई ने, बहुत शानदार पतंग काटी है भाई ने ऊपर वाली। गाइस पतंग आप देख सकते हो यहाँ पे, ये गाइस साई की आवाज लग चुकी है। तो गाइस पतंग मुट्ठा करा अंदर से बहुत बढ़िया करके, आप देख सकते हैं कितना शानदार मुड्डा मारा भाई ने भी, पतंग सीधी करके मारी अंदर की साइड, बहुत बढ़िया पतंग काटी भाई ने यहाँ पे। भाई देख सकते हैं सौरभ भाई का पेच आ गया, सलाने का पेच लड़ रहा है, और दो पेच सौरभ भाई ने काट दिया है, तो तीसरा पेच आ रहा है लड़ने पे। नीचे का पेच है सौरभ भाई का, ये दोनों मेंबरों ने मुड्डा अंदर रखा यहाँ पे बहुत शानदार करके, साई की आवाज़ हो गई यहाँ से गाइस, आप देख सकते हैं। ओ गाइस खींचा ताकत से सौरभ भाई ने, और खींचा बिल्कुल ताकत से। बहुत बढ़िया पेच काटा सौरभ भाई ने यहाँ पे। तो भाई सौरभ भाई का चौथा पेच आ गया यहाँ पे नीचे से दोबारा, और बहुत शानदार पतंगबाजी हो रही है आज यहाँ पे ग्राउंड में। जहाँ पे पट करा सौरभ भाई ने नीचे, भाई साई क्या लग चुके हैं यहाँ से दोनों टीम के प्लेयरों की तरफ से, साई क्या लग चुकी है। और अंदर का मुड्डा रखा सौरभ भाई ने यहाँ से, पतंग तिरछी था भाई सौरभ भाई ने, बहुत ताकत है दोनों, मतलब दूसरे प्लेयर भी बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं काटने की। एक सौरभ भाई की पतंग सीधी हो गई, खींचा सौरभ भाई ने,
गाय थपके में पतंग लड़ रही है, देख देख सकते हैं आप। तो गाय बहुत फंसने वाला पेड़ लड़ रहा है जहाँ पे देखा जाए बिल्कुल, ये पतंग अंदर करी मेरा कट गई पतंग, बहुत बढ़िया पतंग, बहुत बढ़िया काटा थोड़ा भाई हमने।